हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये क्लिनिक का इवन बेटर फाउंडेशन। इट आल्सो हैज़ एसपीएफ 15, तो सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा। एंड द प्राइस फॉर दिस फाउंडेशन इज 2900 रुपीज एंड यू गेट 30 ml फॉर दिस प्राइस। तो फाउंडेशन महंगा है, ब्रांड अच्छा है और मैं इसे दो तीन बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। शेड थोड़ा सा मुझे शायद डार्क मिल गया है क्योंकि ये मैंने डब्ल्यू एंड दिस इज वॉर्म न्यूट्रल है क्या डब्ल्यू एन का मतलब यही होगा मतलब शायद 48 ओट शेड और क्या लिखा है इस पर ड्राई कॉम्बिनेशन टू कॉम्बिनेशन ऑयली मतलब ये हर स्किन टाइप वालों के लिए अच्छा है। और शेड मैंने थोड़ा सा डार्क ले लिया है, कोई नहीं उस पर कंसीलर लगाकर मैं देखूंगी कैसा लगता है क्योंकि फाउंडेशन की क्वालिटी तो अच्छी है। पर हुआ क्या था ना, एक गड़बड़ ये है कि जब भी मैं नायका के स्टोर से फाउंडेशन लेती हूँ हमेशा वो मुझे गलत शेड पकड़ा देते हैं। मैं सेफोरा से लेती हूँ या किसी एक्सक्लूसिव स्टोर से लेती हूँ, डियोर के स्टोर से लूँ, क्लिनिक के स्टोर से लूँ, तो वो सही शेड देते हैं। सेफोरा वाले भी सही शेड देते हैं पर नायका के स्टोर पर जब भी जाऊँ गलत शेड आता ही है। तो ये 2900 रुपीज़ का मैंने फिर से गलत शेड ले लिया है। इसे मिक्स एंड मैच करके देखेंगे। क्वालिटी वाइज मैंने बताया ही आपको दिस इज़ गुड, लॉन्ग लास्टिंग, पर कितना लॉन्ग लास्टिंग है आज ट्राई करूँगी क्योंकि मैंने पहले जितनी बार भी लगाया है तो मैक्सिमम इसको मैंने 5-6 घंटे रहने दिया था तो तब तो ठीक था, पर आज देखेंगे। और इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है फाउंडेशन। बाहर से ही देखने में आपको लग रहा होगा कि मेरे स्किन टोन के लिए थोड़ा सा ये डार्क है, बहुत ही येलो लगने लगता है फेस जैसे मेरे और भी फाउंडेशन के साथ होता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑलिव साइड पर जाना चाहिए क्योंकि मेरे कूल अंडरटोन्स भी है, थोड़े से न्यूट्रल वार्म है ये भी है पर शेड काफ़ी डार्क है क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं स्टोर पे वो मेरे फेस से मैच करने लगते हैं और फेस को मैच करने के चक्कर में फाउंडेशन ये अलग लगता है फिर बॉडी अलग लगती है। तो मुझे अपनी पूरी बॉडी से अपना फेस मैच करने के लिए ऐसा फाउंडेशन लेना होता है जो इस एरिया से मैच करे क्योंकि मैं अगर इस एरिया से मैच करता हुआ फाउंडेशन लगाऊंगी तो फिर ये बहुत डिफरेंट लगेगा और ये पूरी बॉडी एकदम ही डिफरेंट लगेगी। फाउंडेशन की आउटर पैकेजिंग पे कुछ क्लेम्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट डेवलप्ड एलर्जी टेस्टेड, तो कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हुई थी लगाने पर, 100% फ्रेग्रेंस फ्री, तो चेक कर लेती हूँ मैं इसे। कोई ऐसी फ्रेग्रेंस तो नहीं है जैसी डियोर में आती है माइल्ड सी, पर इसमें कुछ वो वाली फ्रेग्रेंस है जो मेकअप में से आती है, मतलब कोई एडिड फ्रेग्रेंस नहीं होगा, जो मेकअप में केमिकल वगैरह जो भी पड़ता है कुछ उस टाइप की तो है इसमें फ्रेग्रेंस। फिर इस पे लिखा है मॉडरेट कवरेज, तो अगर आप अपनी फिंगर टिप से ही बहुत ही कम क्वांटिटी में इस फाउंडेशन को यूज करते हो तो आप इसे अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो। और फिर लिखा है नेचुरल फिनिश, तो नेचुरल शायद लगता होगा पर जब शेडी गड़बड़ आ जाता है ना तो कुछ भी नेचुरल नहीं लगता है, पर कोशिश करूंगी आज ये थोड़ा सा बेटर लगे, नेचुरल लगे। देखेंगे इसे मिक्स वगैरह करके कंसीलर लगाकर कि ये कैसा लगता है। पर इसको लगाने से पहले मैं थोड़ा सा कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेशन है, इधर भी है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। तो मैंने कलर करेक्शन कर लिया है और फाउंडेशन इतना येलो है ना कि मुझे लगता है कि करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ध्यान भी नहीं है। मैंने ना इसे लास्ट यूज़ करा था जनवरी में और अब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ही पहले लेती हूँ। तो यहाँ पर है ये फाउंडेशन, ये देखो कितना ज़्यादा वॉर्म है, ये ऐसा लग रहा है सैंड सा मट कलर का लग रहा है फाउंडेशन। तो मैं स्किन पे लगाती हूँ, वैसे शायद हाँ ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं करेक्टर नहीं भी लगाती तो काम हो जाता, अभी तो वैसे पता नहीं ऐसे ठीक लग रहा है ये फाउंडेशन, पर ब्लेंड करने के बाद हकीकत पता चलती है कि कैसा लग रहा है शेड, या हो सकता है कि मैं थोड़ी सी टैन भी हो गई हूँ, गोवा गई थी ना तो टैनिंग वगैरह हो गई, उससे पहले वाराणसी भी गई थी, कौन सा वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी, हर जगह धूप ही थी, बहुत ज़्यादा धूप सेक कर आ रही हूँ मैं। तो इसको जैसे मैं फिंगर से लगा रही हूँ ना तो ये देखो इधर ही मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ, ये हाथ से भी ब्लेंड हो जाता है। मैंने ये फाउंडेशन यूज़ करा हुआ है बिना किसी ब्रश के, बिना किसी ब्लेंडर के, और इसको आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो क्योंकि इसका टेक्सचर ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है। तो क्वालिटी वाइज दिस इज़ रियली गुड। शेड का थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब देख लेना आपका जो भी शेड है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो ना जिसको आपको सिर्फ अपने हाथों से लगाना है, हाथ से ही ब्लेंड करना है, बहुत ही नेचुरल फिनिश चाहिए, तो उसके लिए ये अच्छा है। थोड़ा सा आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो, मीडियम भी हो जाएगा,
तो लाइट टू मीडियम कवरेज है इसका। इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इस वाले ब्लेंडर से। तो देखो कितनी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है, मैंने अपने हॉल में दिखाया था। अपने हॉल देखा नहीं होगा तो चेक कर लेना यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि ये सस्ता भी है और बहुत अच्छे से इतनी अच्छी स्मूथ फिनिश देता है, क्लीन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो ओरिजिनल रियल टेक्निक्स नहीं, जो ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर है ना, 2000 रुपये का वो आता है और ये 400-500 रुपये का मिला है, तो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, फाउंडेशन मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, जैसे मैंने कोई बीबी क्रीम लगा रखी हो। और फिंगर टिप से अगर आप ब्लेंड करते तो आपको थोड़ी सी और कवरेज मिलती, पर अभी ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाउंडेशन ये भी खा जाता है, पर अच्छा लग रहा है। स्किन टोन का डिफरेंस लग रहा है, मेरे नेक और जो चेस्ट है ये देखो, ये एरिया अलग लग रहा है और ये अलग लग रहा है। मुझे पता नहीं कैमरा पे इतने अच्छे से पता चल रहा है कि नहीं, बट मैं सामने से देख रही हूँ तो फ़र्क लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। अगर मैं जैसे कंसीलर यहाँ पर जो हाइलाइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट कंसीलर, वो यूज़ करके मैं देखूंगी कि कैसा लग रहा है, वैसे टेक्स्चर तो बहुत ही सुंदर है। अगर आपको इसकी क्वालिटी के लिए लेना है तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, पर शेड का थोड़ा ध्यान रखना, शेड अपना लोगे तो ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई नेचुरल फिनिश वाला फाउंडेशन चाहिए तो स्टोर पे जाके, क्लिनिक के स्टोर पे जाकर ही लेना इसे। और ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी होता है जितना मुझे याद है, या मैंने कुछ कंसीलर वगैरह ऐसे मिक्स कर लिए थे, या फाउंडेशन को दूसरे फाउंडेशन में मिक्स करा था तो ऐसा लग रहा होगा, पर आज देख लेंगे कि कितना ऑक्सीडाइज होता है, कंसीलर क्यों नहीं खुल रहा है। तो ये लॉरियल का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इनफैलिबल शेड है 317 आमंड। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हम हाईलाइट करते हैं, इधर थोड़ा सा यूज़ करूँगी यहाँ पे, मैंने अपना बाकी का मेकअप भी कर लिया है। और मुझे तो ये फाउंडेशन अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने इस तरीके से इस फाउंडेशन को कभी यूज़ नहीं करा था। एक बार मिक्स कर दिया था, फिर एक बार मैंने 2-3 कंसीलर लगा लिए थे, पर अभी मैंने जितनी बार भी इस फाउंडेशन को यूज़ करा है मुझे आज सबसे बेस्ट लग रहा है, मैच कर रहा है अच्छे से, फेस पे मैट लग रहा है। तो मैंने प्राइमर यूज़ करा, करेक्टर के बाद फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए जो लॉरियल का कंसीलर था ये बिल्कुल परफेक्ट था हाइलाइटिंग के लिए। उसके बाद मैंने पाउडर यूज़ करा अपने फेस को सेट करने के लिए, जैसे मैं बेक करती हूँ कुछ मिनट्स तक मैं रहने देती हूँ फेस पर, तब तक मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा ब्लश यूज़ करा है। और ये रहा कंप्लीट लुक जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसी स्माइल लाइंस नहीं आ रही है, कोई ऐसा क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, और केकी सा हो जाता है बिल्कुल भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है फाउंडेशन। तो अभी तो ये अच्छा लग रहा है, और टाइम हो रहा है 3:45 हो रहे हैं, और कुछ घंटों के बाद मैं आऊँगी आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लगता है बिना किसी सेटिंग स्प्रे के और बिना किसी टचअप्स के। अच्छा, तो अभी अराउंड 4-5 घंटे हो चुके हैं, 8:30 बज रहे हैं, तो 4.5 घंटे हो गए हैं और मैंने कोई टचअप्स नहीं करे हैं। फेस अच्छा लग रहा है, कैमरा भी अच्छा लग रहा है, फ़ोटोज़ भी अच्छी आ रही है, और थोड़ी सी शाइन आई है ये मेरे टी जोन एरिया पे यहाँ पे, पर वो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हाइलाइटर लगा रखा है, और कोई केकी वगैरह नहीं हुआ है फेस यहाँ, तो बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है। मेरे इधर भी ना कई फाउंडेशन से क्रैक्स आ जाते हैं, फोरहेड पे आ जाते हैं, तो वो सब क्रैक्स नहीं आए हैं। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे स्माइल लाइन्स में जा रहा है, इधर इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे भी ये जो 2 लाइंस हैं इसमें भी जा रहा है। तो वैसे जब भी कोई फाउंडेशन ऐसे यहाँ पे लगता है ना कि लाइन ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो थोड़ा सा ऐसे हम जो सेटिंग पाउडर होता है ना, जो कॉम्पैक्ट होता है, उसे ऐसे डैप डैप कर लेते हैं ना तो ये ठीक हो जाता है। तो टचअप्स करती तो ये और अच्छा लगता, मतलब अभी भी अच्छा लग रहा है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि ये बुरा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है क्या, ऑक्सीडाइज होने के बाद मुझे ये और येलो सा लग रहा है, क्योंकि नेक का कलर आप देखो और फेस का देखो, देखो ये ज़्यादा वार्म लग रहा है ना फेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस ज़्यादा वार्म लग रहा है, पर बुरा नहीं लग रहा है,
क्योंकि मैंने पहले जब भी ये फाउंडेशन लगाया था ना तो इस तरीके से यूज़ नहीं करा था, ये मैंने बताया था आपको। और फाउंडेशन इतना वॉर्म है ना कि फिर वो बहुत येलो लगने लगता था मेरे फेस पे। तो मेरा ये जो शेड है दिस इज़ 48, तो शायद आप 46 या 47 भी ट्राई कर सकते हो इसमें। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के 11:35 हो रहे हैं, 8 घंटे हो चुके हैं। मेरी हालत भी आपको ऐसे लग रही होगी, मैंने 2 रील्स भी करी थी, कुछ और काम भी करा था, एडिटिंग वगैरह करी थी, वीडियो भी लगाई है गोवा ब्लॉग की, देख लेना। तो फेस मुझे ठीक ही लग रहा है, मुझे मिरर ज़रा देखना पड़ेगा। ऑयली थोड़ा सा लग रहा है, कोई टचअप्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऑयल काफ़ी है, इधर ये शाइन कर रहा होगा ना ये एरिया, और यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरी पिगमेंटेशन की वजह से थोड़ा सा ग्रे, नहीं इतना नहीं लग रहा है, मतलब ठीक ही है। बाकी कहीं पे फेस ऐसा केकी कोई लाइंस नहीं है। वही जो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी स्माइल लाइंस में थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है, और जस्ट ये अपर लिप्स पे, क्योंकि अपर लिप्स पे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ से थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, ना के बराबर, मतलब इतना दिख भी नहीं रहा है, मतलब बहुत कोई पास से दिखेगा तो पता चलेगा, इधर स्मज हुआ है थोड़ा सा। ऐसे पता नहीं फेस पे हाथ वाथ भी लगे हुए तो शायद इस वजह से, पर इस साइड यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉलेस है, इधर बिल्कुल फ्लॉलेस है। फोरहेड पे भी स्वेटिंग होती है तो थोड़ा, कहाँ कुछ मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे क्रैक्स वगैरह नहीं लग रहे हैं, इधर बस कुछ लाइंस में इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे जस्ट बहुत ही स्लाइट सा इकट्ठा हुआ है। वैसे ये फाउंडेशन अच्छा लग रहा है, बिना किसी टचअप के, बिना किसी सेटिंग स्प्रे के इतना अच्छा लुक आया है। और इतने सारे मैंने कोई फाउंडेशन भी इसमें मिक्स नहीं करे है, तो शेड भी ठीक है। मैंने नायका को वैसे ऐसे ही बोल दिया, मतलब क्योंकि देखो फाउंडेशन अगर मैं ऐसे ही लगाती हूँ ना तो इतना ठीक नहीं है। मैंने तो कंसीलर लगाया है हाईलाइटिंग के लिए, तो ये ठीक लग रहा था। शेड 48 है मेरा, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से देखना। क्वालिटी वाइज दिस फाउंडेशन इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरी भी बहुत में ही आती है, पर होता है ना एज के साथ थोड़ा सा जो ऑयल है ना प्रोडक्शन वो कम होने लगता है। पर वो होता क्या ना मेरे साथ कि मेकअप लगा लेती हूँ तो ऑयल कम आता है, मेकअप नहीं रहता है तो और ज़्यादा ऑयल आने लगता है। तो शेड मेरा इसमें 48 है, अगर आप मेरे स्किन टोन के आसपास है तो 46 और 47 भी ट्राई कर लेना। अगर आपका कोई और स्किन टोन है तो उस हिसाब से दे लेना। फाउंडेशन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। 2900 अगर आप दे रहे हो इस फाउंडेशन के लिए तो ठीक ही है, थोड़े से पैसे और मिला के डियोर का ले लो, वो भी बड़ा अच्छा फाउंडेशन है। बॉबी ब्राउन के भी बड़े अच्छे फाउंडेशन आते हैं, ये भी पर बहुत अच्छा है। तो आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें SPF 15 भी है, और जैसा इस पर लिखा हुआ है इवन बेटर, तो आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है। सो ओवरऑल दिस फाउंडेशन इज़ रियली नाइस, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ख़रीदना है या प्लान कर रहे हो ख़रीदने का तो फिर आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, फेस पे काफ़ी फ्लॉलेस लगता है, केकी नहीं होता, कहीं पे कोई ऐसे पैचेस नहीं आते, तो अच्छा फाउंडेशन है। और बस इतना ही था इस रिव्यू के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो, तो इसको लाइक शेयर कर देना। अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन होगा या अगर आप कोई और फाउंडेशन भी सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।